जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास जो है अभी कुछ देर बाद जो है शुरू हो जाएगा। आज नौ मुख्य जो अरकान है वो हलफ उठाएंगे और बाहर जो है पंजाब असम्बली के बाहर काफी बड़ी तादाद में जो है पुलिस की नफरी जो है तैनात हो चुकी है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि एंटी राइट फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तरीके इंसाफ का यहाँ पर जो है एहतजाज की कॉल भी उन्होंने दी हुई है, तो इसलिए जो है एहतियाती तदाबीर भी की गई है। पुलिस के पास इस वक्त जो है शेलिंग का सामान मौजूद है, इसके अलावा जो है वाटर कैनन भी यहाँ पर मौजूद है, प्रिजन वैन भी जो है यहाँ पर मंगवाई गई है, और जो तरीके इंसाफ के जो नामजद वज़ीर-ए-आला पंजाब है मियां सलीम इकबाल उनको भी गिरफ्तार करने की जो है यहाँ पर पूरी जो है तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि आज जो है स्पीकर पंजाब असम्बली जो है सप्तान खान यहाँ पर हलफ बस लेंगे और जो इंतखाबात है जो इलेक्शन होगा स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का वज़ीर-ए-आला पंजाब का वो आज नहीं होगा। उनका ये मौकफ है कि जब तक स्पीकर जो हाउस है वो पूरा मुकम्मल नहीं हो जाता, मखसूस नशस्तें जो अभी नहीं दी गई वो जब तक नहीं दी जाएंगी तब तक जो है स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का और वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब जो है नहीं होगा। लेकिन बाहर जो सूरत आ रही है इस वक्त सख्त जो है सिक्योरिटी इस वक्त बाहर मौजूद है और पीटीआई का अगर कोई भी रहनुमा एहतजाज करेगा उसको जो है अपनी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी।